दुर्ग पुलिस ने जेल चौक से नशीले टेबलेट सहित एक आरोपी को धर दबोचा। वहीं पद्मनापुर थाना पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी पर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार शहर में नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के आरोपियों को धर पकड़ कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज रही है। वहीं इसी कड़ी में दुर्ग जेल चौक से दुर्ग पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी हार्दिक भोई को घेराबंदी कर धर दबोचा, जिसके पास से झोले में रखे नशीले टेबलेट को बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत हजारों रुपए की आंकी गई। इसी कड़ी पन्नापुर थाना में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की कार्रवाई कर आरोपी के पास से पकड़े गए अवैध नशीले टेबलेट जब्त किए गए। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने अपनी जानकारी दी। दिनांक 9/1/2023 को मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में घूम घूम कर अवैध कोक कैप्सूल बिक्री करने के लिए घूम रहा है और ग्राहक का इंतजार कर रहा है, तो तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर पकड़े। पूछताछ किए तो अपना नाम हार्दिक भोई निवासी पचरी पारा का होना बताया। उसके पास से 57 स्ट्रिप मतलब कुल 456 गोली इस्पा स्कोर्स 1+ टेबलेट गोली कैप्सूल बरामद किया गया और विधिवत कार्यवाही कर रिमांड में लिया गया, विवेचना जारी है। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार सूखे नशे पर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश हमको प्राप्त हुआ था। इसी के तारतम्य में सारे थाना क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमारे सब डिवीजन में लगभग 5 प्रकरण में 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही हम आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें तथा उनको नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति अवेयर करें, और जो स्कूल कॉलेज के बच्चे उनसे भी मेरा अपील है कि आप नशे की सामग्री से दूर रहें, या आपको गलत भटकाव लाता है, आपके जीवन बर्बाद कर सकता है और इसके चक्कर में आप जेल भी जा सकते हैं। ऐसी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।